कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि स्टैमरिंग जो होती है ज़्यादातर आप एक नेगेटिव थॉट्स की वजह से बहुत ज़्यादा आपको स्टैमरिंग होती है। और दो तरह की स्टैमरिंग होती है, जिसमें एक स्टैमरिंग होती है कि पर्टिकुलर आपको ब्लॉकेजेस हैं किसी लेटर्स में, स्पीड फास्ट है आपकी, तो उससे आपकी स्टैमरिंग उसकी एक हैबिट बनी हुई है, तो उसकी वजह से आपको स्टैमरिंग हो जाती है। तो वो उस चीज़ के लिए हमारे पास टेक्निक्स है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैमरिंग होती है वो होती है नेगेटिव थॉट्स की वजह से, जिसको हम सिचुएशनल स्टैमरिंग भी बोलते हैं। तो वो जो सिचुएशनल स्टैमरिंग होती है वही सबसे खतरनाक स्टैमरिंग होती है, सब मोस्ट डेंजरस स्टैमरिंग। जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत सारे आपके अंदर आपको डर लग जाता है सिचुएशन को फेस करने का, आपके अंदर एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है, आप शर्मा जाते हो, ठीक है, आप स्टैमरिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको सिर्फ 3 चीज़ पे वॉक करना है। पहली चीज़ है स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लेना, हाँ मुझे स्टैमरिंग है। जब आप स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो आपका डुअल माइंड सेट हो जाता है लोगों को फेस करने से पहले कि मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, उसकी वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि आपको स्टैमरिंग हो जाती है। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ मुझे स्टैमरिंग है तो है, तो आपके माइंड में क्या आएगा फिर, अगर मैं स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करता हूँ तो सामने वाला कुछ भी सोचे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम बहुत चांसेस होते हैं कि आप पहले के कंपैरिजन में स्टैमरिंग ना करो। फिर एक डर की फीलिंग होती है जो एक नेचुरल फीलिंग होती है, वो एक आम इंसान में भी होती है जिनको स्टैमरिंग नहीं होती। तो आपको डर मजबूर करती है कि आप सिचुएशन को फेस ना करें, आपको फोर्स करती है, आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करती है कि आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाएँ। तो भले आपको डर लग रहा है, आप डर के साथ सिचुएशन को फेस करें। उस डर के साथ सिचुएशन को फेस करने की आपने आदत बना ली तो धीरे धीरे उस सिचुएशन का डर भी आपके अंदर से निकलता जाएगा। और तीसरी चीज़ है शर्म, गिल्ट, जो कि मैंने पहले चीज़ बताया था एक्सेप्ट करना, उससे रिलेटेड है कि जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब आपको कोई शर्म नहीं है, आपका कोई मजाक हो रहा है, आपके बारे में कोई कुछ बोले आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आपके अंदर कोई शर्म रहेगा नहीं, आप जाके लोगों को ईजिली फेस कर पाओगे। माइंड में हमेशा स्टैमरिंग को लेके एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अभी तक हम स्टैमरिंग को लेके एक हमारे मन में क्या होता था, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आ जाते थे। अब मैं आपको एक अच्छा देता हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा कॉमेडी वाला एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही अच्छा है कि लोगों को हंसाना हर किसी की बात नहीं होती, ठीक है ना। लोगों को हंसाना हर किसी की बात नहीं होती, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप लोगों को हंसा देते हो, yes। तो टैलेंट है कि नहीं, तो इसको ऐसे स्टैमरिंग को आपको हर चीज़ के लिए पॉजिटिव वे में लेना। स्टैमरिंग को जब हम एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपसे किसी ने कुछ बोल दिया भैया तो यार स्टैमरिंग करता है, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार मैं तो स्टैमरिंग करता हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। पॉजिटिव वे में खुद से एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे स्टैमरिंग होती तो होती है लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। कोई और आपसे बोल रहा है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलते हैं। खुद को पॉजिटिव वे में इसको एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट करते हैं तो थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स है वो अपने आप निकलते चले जाते हैं। तो जो आपकी जो दूसरी स्टैमरिंग होती है जो केवल आपकी नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है, जिसको हम सिचुएशनल स्टैमरिंग होती है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करके एक्सेप्ट करके अपने अंदर के जो डर है उसके होते हुए भी लोगों को फेस करके अपने अंदर का गिल्ट अपने शर्म को हटा के आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी टेक्निक के। आपकी जो टेक्निक्स होती है वो जो आपकी एक हैबिट माइंड में जो होता है पर्टिकुलर ब्लॉकेज के लिए, स्पीड की वजह से, एंजाइटी की वजह से, तो इनकी जो स्टैमरिंग होती है उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। लेकिन जो बाकी जो मेन जो स्टैमरिंग होती है सिचुएशनल, उसके लिए आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके थॉट्स को पॉजिटिव बना के ही सही कर सकते हैं। 3 चीज़ मैंने आपको कल बताई थी क्या करना उसके लिए। सबसे पहला मेडिटेशन, ठीक है, और 2 और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक सेल्फ टॉक है और एक विजुलाइजेशन, ठीक है ना, कि माइंड में जितना ज़्यादा आप स्टैमरिंग को लेके पॉजिटिव सोचते रहो, धीरे धीरे आपके माइंड को चीज़ स्टोर होती जाएगी। दूसरा विजुलाइजेशन, इसमें आपको पॉजिटिव सिचुएशंस को इमेजिन करना है कि आप कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप रह के लोगों को फेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको इमेजिन करना है। तो धीरे धीरे वो भी आपके मन में बैठता जाएगा और वो पिक्चर्स आपके माइंड में बैठती जाएंगी और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की जो लहर है वो आपके अंदर आने लगेगी और आपके अंदर का जो भी गिल्ट जो भी डर है वो धीरे धीरे जाने लगेगा, ठीक है ना। तो दूसरी वाली स्टैमरिंग के लिए हमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो पहले के लिए तो आपने प्रैक्टिस कर ही रहे हैं कि मुँह से कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन दूसरी के लिए आपको सेल्फ टॉक, विजुलाइजेशन, मेडिटेशन, इनके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में पॉजिटिव बातें डालनी, इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग।